दरवाजे पर कौन है? साधना, दरवाजा खोल। मैं सारी रात यहाँ तेरे इंतजार में खड़ी नहीं रह सकती। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल साधना, दरवाजा खोल। आज का दिन बड़ा बेकार है। पहले नमिता चली गई, उसको कोई जरूरी काम याद आ गया, फिर घर के सब नौकर छोड़कर चले गए। अभी एक पेशेंट आया था, वो भी चला गया। कल जिन जिन लोगों के घर हम गए थे, उन सब ने यहाँ आने का वादा किया था, कोई नहीं आया। नहीं डॉक्टर साहब, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। आपकी सहेली तो पढ़ी लिखी थी, इसके बावजूद डर कर भाग गई। तो यहाँ के लोग तो इस निशान को अच्छी तरह समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप पर शराब है। अब बस करो, मैं घर जा रही हूँ। और हाँ, तुम एक काम करो, यहाँ गांव में जो लोग बीमार हैं, उनके लिए सावनपुर जाकर वहां के सरकारी अस्पताल में दे दो, ठीक है? डैडी, आपने मुझे बुलाया? तुम्हारा टिकट, कल सुबह की ट्रेन से तुम मुंबई जा रही हो। मुंबई क्यों? मैंने तुम्हें यहां बुलाकर गलती की। यहां तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम यहां से कहीं दूर चली जाओ। लेकिन डैडी, मैं आपको इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। घर में कोई नौकर भी नहीं है। तुम चली जाओगी तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। लेकिन डैडी, आप, तुम्हें बचाने का बस यही एक रास्ता है। चले जाओगी तो निशान का भी तुम पे कोई असर नहीं होगा। डैडी, ये निशान, ये नियोगी बाबा, सब बकवास है। भले ही बकवास हो, लेकिन ये सच है कि नियोगी एक खतरनाक आदमी है, इसलिए तुम मेरी मानो और यहाँ से चली जाओ। डॉक्टर साधना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। सावनपुर से लौटते समय हाईवे पर ट्रक वाले ने तुम्हारे कंपाउंडर प्रकाश की साइकिल तोड़ा दिया है। ये लोग कहाँ चले गए? तुम्हारे तो एक्सीडेंट हो गया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ डॉक्टर साधना। प्रकाश, तुम यहाँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दरवाजा खोल कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है डॉक्टर साधना। ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ये कितनी देर में मर जाएगी? क्या तुरंत, जैसे कि वो पिछला डॉक्टर मरा था? ऐसे आसान मौत मैं नहीं दूंगा। ये तो कम कम कर, तड़प तड़प कर, आहिस्ता आहिस्ता मर। साधना, साधना उठो बेटी, साधना। हाँ, अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी है। इसका मतलब नियोगी की जादू ने असर नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब क्या बिल्कुल ठीक है ना? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा, कोई चक्कर आ रहा हो? लेकिन हाँ मुझे प्यास लगी है, जबरदस्त प्यास, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दीजिए जल्दी। हाँ पानी दे दे, इसका मतलब ये ठीक है। हाँ उसके जादू ने असर नहीं किया वरना अभी तक। लो बेटे पानी लो, ये लो। जो तुमने मेरी बेइज्जती की थी उसकी सजा दी है मैंने तुम्हें। अब ये बहुत सजा भुगत चुकी है, इसे माफ कर दो और शराब से छुटकारा दिला दो। नहीं रहम करो दियोगी, मैं तुमसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं दवाखाना बंद कर दूंगा और इसे भी कहीं दूर भेज दूंगा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब इसका श्राप इसके मौत के बाद ही खत्म होगा। से पानी पिलाने की कोशिश की लेकिन पानी गले से नीचे उतरता ही नहीं। प्रकाश क्या हो? कोई तांत्रिक मिला जो नियोगी के यादों का तोड़ कर सके? वैसे तो आसपास के सारे तांत्रिक नियोगी बाबा से बहुत डरते हैं, लेकिन हिम्मत करके एक तांत्रिक ने मुझे रास्ता बता दिया है। हम ये जादू पलट सकते हैं। कैसे? जिसने ये जादू पहले किया है इसका असर हम उसी पर पलट सकते हैं। मतलब साधना बच जाएगी और वो नियोगी प्यास से तड़प तड़प के मर जाएगा? बिल्कुल। जैसे ही निशान हमारे दरवाजे पर बना हुआ है वैसा ही निशान हम नियोगी बाबा के दरवाजे पर बना देंगे खून से। जैसी बेटा को उसको पुकारेगी वो दरवाजा खोलेगा, उसके जादू का असर उसी पर पड़ेगा और डॉक्टर साहब बच जाएंगी। बन चुका है। नियोगी बाबा मुझे बहुत प्यास लगी। नियोगी बाबा साधना बेटी को पानी नहीं पिलाओगे? मुझे देख के घबरा गए। तुझे बुलाया मैं आ गई। जब भी मुझे कोई बुलाता है मैं पहुंच जाती हूँ। मेरे पास यही एक रास्ता था डॉक्टर साधना को बचाने का। दरवाजा खोलूंगा ही नहीं। लेकिन कब तक? जब तक डॉक्टर साधना मर नहीं जाती तब तक। और दो चार रोज के बाद डॉक्टर साधना मर जाएगी और उसके मरने के बाद मेरे दरवाजे से ये निशान आप ही आप मिट जाएगा। सुप्रिया बेटी लो पी लो इसे।
ये जड़ी बूटी से बनी दवा है, तुम्हें आराम मिलेगा। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, मैं तेरी माँ हूँ। खोल ना, खोल दरवाजा। पापा, 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 ये दादू क्यों? हे, ये वो नहीं, ये कोई और है। खोल दरवाजा, मैं तेरी माँ हूँ। खोल ना, खोल दरवाजा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम प्रेत आत्मा हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चले जाओ। आज ना सही फिर कभी सही। तुम ये मत समझ कि इतना चालाक है कभी दरवाजा खोलेगा ही नहीं। मैं तुझसे दरवाजा खुलवा कर रहूंगी, खुलवा कर रहूंगी। क्या बात है, आज नियोगी बाबा के घर पे लोगों की भीड़ नहीं है और दरवाजा भी बंद है। उनके दरवाजे पर निशान है, वो श्रापित है, इसलिए डर के मारे कोई उनके पास नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बात है। हाँ, और उनकी बेटी सुप्रिया की तबीयत भी बहुत खराब है। अरे, क्या हुआ सुप्रिया को? बहुत तेज बुखार है, ऐसा लगता है बचेगी नहीं। हे प्रेतात्मा, जो मेरी बेटी की शरीर में घुसी हुई है और उसके खून को गंदा कर दिया है, बाहर निकल, मेरी बेटी के शरीर को छोड़ दे। बेवकूफ, क्या कर रहे हो तुम? मेरे इलाज के बीच में मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इलाज? तुम इसे इलाज कहते हो? पहले वो बेचारी बीमार है, तुमने उसका खून निकाल लिया, अब क्या घोड़े मारे तो उसकी जान लेना चाहते हो? मैं तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से ये बचेगी नहीं, मर जाएगी। बेवकूफ, इसमें किसी भूत प्रेत का साया नहीं है, ये महामारी का शिकार है। इसे बुखार है, बुखार, वो बुखार जो अब तक सैकड़ों जाने ले चुका है। इसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ ताकि कोई सचमुच का डॉक्टर इसका इलाज कर सके। लेकिन ये मेरे इलाज से तो भी ठीक हो सकती है। तुम्हारे इलाज से ठीक नहीं होगी, मर जाएगी। क्या तुम इसे मार डालना चाहते हो? क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मेरी बेटी को बचा लो। इसे सिर्फ एक लड़की बचा सकती है। कौन? मेरी बेटी डॉक्टर साधना। लेकिन अफसोस, तुम्हारी वजह से वो भी आखिरी सांसें गिन रही है। मैं नियोगी की बेटी की बात कर रहा था। मैंने नियोगी से कहा कि उसने तुम पे काला जादू करके गलती की है, वरना तुम उसकी बेटी की जान बचा सकती थी। क्या हुआ उसकी बेटी को? महामारी का शिकार है वो, और बचने की कोई उम्मीद नहीं। नियोगी बाबा, दरवाजा खोलो, डॉक्टर साधना तुम्हारी बेटी की मदद के लिए आई है। ये झूठ है, तुम प्रेत आत्मा हो और मुझे मारने आई हो। डॉक्टर साधना मेरे और मेरी बेटी की मदद के लिए कभी नहीं आ सकती। तुम प्रेत आत्मा हो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। बेवकूफ मत बनो, दरवाजा खोलो नहीं योगी बाबा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, तुम्हारी बेटी मर जाएगी। दरवाजा खोलो। मेरा नाम पुकारो तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ये चाल नहीं है। बस एक और बार, देखा, तुम लोगों ने चौथी बार मेरा नाम नहीं पुकारा, मैं सही था। तुम प्रेत आत्मा हो, मुझे पता है।
योगी बाबा दरवाजा खोलो, मैं हूँ प्रकाश। देखो मैंने तुम्हारा चौथी बार नाम पुकार लिया है, अब तो दरवाजा खोलो। मैं तो तुम लोगों की आवाज सुन के डर गया। हम तेरी तरह गिरे हुए नहीं है। सब इसकी आंखें लाल हैं। मेरा ख्याल सही था, इसे वायरस है। जल्दी से सिरोक्साइड 20 ml और डबल डोज। जी मुझे पता है डॉक्टर साहब। मेरी बेटी बच जाएगी ना? क्या पता, तुम्हारी बेटी की कम से कम उम्मीद तो है, मेरी बेटी की तो वो भी नहीं। सुप्रिया बेटी, बेटी सुप्रिया। बाबा, 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 बाबा। सुप्रिया बेटी। बाबा। तू बच गए। डॉक्टर साधना ने तुम्हारी जान बचाई है, और मैंने डॉक्टर साधना को मौत के मुंह में धकेल दिया। किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैंने तुम्हारी बेटी को मौत के मुंह में ढकेल दिया, और तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी की जान बख्श दी। यही तो फर्क है हमें और तुम में। हम तो जिंदगी देते हैं और तुम सिर्फ मौत। मैं डॉक्टर साधना, मैं ही तुम्हारी बेटी को बचा सकती हूँ। लगता है जादू ने असर कर दिया है। बेटी, डॉक्टर साधना की जान बचाने के लिए मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना। अब यही कहते हैं। मैं सही कर रहा हूँ, राजशेखर बाबू ने सही कहा। मैं मौत दे सकता हूँ, जिंदगी नहीं। दरवाजा खोलो ना योगी। मैं दरवाजा खोलूंगा, साधना की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। बेवकूफ, आखिर मैंने तुमसे दरवाजा खुलवा ही लिया। मैंने जान बूझ कर ये दरवाजा खोला है, क्योंकि यही मेरा प्राश्चित है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरे शरीर को भस्म कर दो। We'll be right back.